Roche. Eu nem vou saber no nome. Deixa eu me chamar para o Naibu. E o Mandibur vai ter. Cuscuz? Sim. Naibu Mandibur. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मुरीन और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मज़े में होंगे। कल आपने देखा हम गुलमर्ग गए और बड़ा मज़ा आया। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा तो इस व्लॉग को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहां से जाके चेकआउट कीजिएगा। आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि अभी नहीं पता ऐसी जगह जो है ऐसी जगह जा रहे हैं जहां अभी तक कोई नहीं गया। यूट्यूब पे उसका कोई वीडियो नहीं, नामो निशान नहीं उस जगह का, तो हमने सोचा क्यों ना हम जाके उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जी हाँ, मेरे घर से बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक भी नहीं, उतना नज़दीक भी नहीं, बट नज़दीक है। तो इरशाद के साथ जाएंगे तो सफ़र शुरू करेंगे। अभी बज रहे 2 और चले व्लॉग शुरू करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, तो चले लेट्स गो। ये जी रहा मागम का मार्केट और मागम से थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको लेफ्ट साइड से टर्न लेना है जहाँ से जाते हैं बीरू। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता बीरू एक जगह है तो वहाँ से आप किसी को भी पूछे मागम में बीरू कहाँ से जाते हैं, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। ये हमने लेफ्ट टर्न ले लिया, अब यहाँ से जाना है पूरा स्ट्रेट और फिर एक और टर्न लेना है, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। और यहाँ से आपको फिर लेफ्ट की तरफ जाना है और यहाँ से आप किसी को भी पूछें कि बाब सोबन कहाँ पे है, वो आपको बताएंगे। और ये बहुत इजी एड्रेस है और बहुत खूबसूरत लोकेशन है, जस्ट हम पहुँचने वाले। और ये ब्रिज आप याद रखिएगा, ये वाली ये लोकेशन बहुत खूबसूरत। इसको कुछ एड्रेस नहीं पता है, मेरे को पता है, लेकिन सीन ऐसा हो गया। गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं और यहां से आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। उसके ऊपर पर धारा जैसा धारा, हां वो आस्था मारे। तो जी देख सकते हैं आप भाई साहब, इधर से दिखा, इधर से दिखा, ये पूरा अस्थान मार्ग का ये है क्या बोलते, कॉपी नहीं अस्थान मार्ग इसका कॉपी है। चलो जी वो भी सही है, अस्थान मार्ग इसका कॉपी है। ओ भाई साहब, और द बेस्ट चीज जो यहाँ की है, जो इस जगह को बेस्ट बनाती है, वो है यहाँ की ज़ियारत, है ना। तो अभी आपको हम वहीं लेकर चलते हैं, फिर वहां से अच्छे से व्यू दिखाते हैं। अरे अभी जी हम अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन पे पहुंच गए हैं और लोकेशन इतनी जबरदस्त है, पूरी परफेक्ट जबरदस्त लोकेशन, मतलब बहुत बहुत। आज मुझे मतलब इससे पहले मैं आया हूँ लेकिन आज मेरे को बिल्कुल ही बहुत खूबसूरत लगी। बट द बेस्ट थिंग इज कि आज जो मौसम है वो बड़ा खूबसूरत हसीन और पूरा अभी शहर जो है नॉर्मल, पूरा यहाँ से नॉर्मल है उस साइड से हमारा घर उस साइड से। हाँ वो JVC लग रहा है मुझे वो। हाँ क्या बात है, क्या बात है। अभी हम चलते हैं सीधे अंदर, आ जा। केजी रहा बाबा हनीफुद्दीन ऋषि रहमत अलैह, इनका यहाँ पे आस्थान है। और कितना टाइम इन्हें पहले बोला ये इनकी वफात हुई है मुझे आइडिया नहीं, अब याद नहीं रहा, 800 कुछ। तो ये रहा इसका टॉप और बीरू के साइड से हम आए, ठीक है। और ये बहुत बहुत हाइट पे है, बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ा अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। गाइस आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारे, ज़बरदस्त अल्टीमेट फीलिंग, खुले आसमान के नीचे रहने में और टॉप पे रहने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए जी अल्टीमेट फीलिंग, वाओ ब्यूटीफुल। और यहाँ का व्लॉग आज तक किसी ने नहीं किया है, मैंने तो ढूंढा था कि यूट्यूब पे मुझे मिले बट नहीं मिल पाया,
फोन पे उतना नजर नहीं आ पाता, बट जितना मुझे आंखों से नजर आ रहा है मुझे सुकून ही सुकून मिल रहा है। ये देखे जी, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, आधे घूमने के लिए आते हैं, आधे यहाँ आते हैं। कैसा वीडियो लिया? अभी जी हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कहाँ पे जाएंगे। चढ़ो, एक्सलेटर देने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए जी, स्कूटी स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, अभी हम जाएंगे उस वाले पोर्शन पे। बंदा आया, वो गाड़ी चला रहा था, ऐसे जीरो कट मारा एक अंकल के पैरों के सामने से, उसने निकाले मार दिए। ओह, और लोग यहाँ से ट्रैक भी करते हैं, अंकल वहाँ से बड़गाम साइड, वहाँ से आराम से चलना चाहिए। ये देखिए जी, हमने स्कूटी कहाँ पे लाई, ये रही स्कूटी, ये रहा एंड पॉइंट, ये बड़गाम का एरिया, ये श्रीनगर, वो जी आपको नजर आ रहा होगा हारी पर्वत, और ये देखे, और यहाँ का स्थान वहां पे। बॉडी देख रहे हो बंदी की? पिछले चार दिनों से ये जिम जा रहा है, और देखो जी, ओ माय गॉड, कमेंट डाउन, कमेंट डाउन, पीछे से नजर रखना। ये सारे मेरे को बोलेंगे क्या मुर्गा है, बॉडी बड़ा कमजोर लगी। मजा आया यहाँ पे सीरियसली। वैसे आज हमने अपनी स्कूटी पहली बार इतनी ऊपर मतलब ली है, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे, एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जबरदस्त है। यहाँ पे आपका क्या नाम है? इमाद। इमाद हमें मिले इतनी दूर जगह पे, हमारे सब्सक्राइबर, थैंक यू बॉस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप उनसे मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बॉस, बहुत खुश हुआ आपसे। देखा देखा जी, हम उस लोकेशन से वापस आ गए और अभी हम आए हैं मागम। मागम की ऑडियंस को हमारी तरफ से फिर से एक बार प्यार भरा सलाम, क्योंकि ऑडियंस हमारी जो मागम की है वो बहुत सारी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो सब्सक्राइबर मिले उनको बहुत शुक्रिया। तो अभी हम आए हैं, इसने बोला इरशाद है यहाँ पे मिलती है सबसे अच्छी और डिलीशियस बिरयानी। सो राइट नाउ वी आर इन, इसका नाम क्या है, जस्ट बुखारा के पास। तो यहाँ पे हम बिरयानी खाने वाले हैं। तो जी बिरयानी आ गई है, अभी हमने सर्व की, तो अभी टेस्ट देखा मैंने, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी, मज़ेदार। अभी बज रहे हैं 8 और बड़ी ईद और बारबेक्यू तो बनता है। मेरे हाथ आप देख सकते हैं काले काले, क्यों ये आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि हम बनाने वाले हैं बारबेक्यू पूरी फैमिली के साथ, दादी मम्मा पापा, बड़ा मजा आने वाला है। तो चलते हैं। ओके जी, वी आर रेडी। ये टेंट हमने यहाँ पे इसलिए लगाया, हम कैंपिंग कर रहे हैं, इसमें थोड़ी स्मेल हुई थी, ये लगा के रखना पड़ा ताकि ये ठीक रहे। और मी रेडी, दादी तैयार, छक तैयार, छक तैयार, अप्पा तैयार, गुड गुड तैयार। हमेशा ट्राई करें जब भी आप हवा इसमें लगाए वो यहाँ से दीजिए ताकि ये नीचे ले जाए। दादी रेडी, मी रेडी। ये पूरा लग रहा है हम कहीं कैंप पे आए, क्योंकि हम पूरा वैसे ही है टेंट वगैरह। हाँ, अभी इसको खाने में बड़ा मजा आएगा। अभी तैयार कर रहे, उसके बाद मिलते हैं। दादी क्या बस आज से चोन वनन, क्या तुजन मुतालिक क्या बनन चोन हता ब्रो वांट हस तुज नियर आंखें हां मैं इस लक्चर से लड़ के या का अपन इस है क्या गो दराब ये तुज के अच्छा क्या इस यस नहीं गलत गसा जो गलत ही ना पर ओ तुज के या वंचेशी गसा आज वक्त बहुत बदलो से। दादी चोन क्या बनन क्यूत बसान से असला अ क्या है मैं खवा मुनी के तो चोन वनन क्यूत बाशो क्यों ने वो जो नून के वोन की चोन क्या लाइट दा वोन चल विचाल दो ही हुआ था रे रे हुआ था। देखो देखो इधर से दिखा मामा, ये जसन मुशान बराबर मैं जो ये मंजूर हुआ क्या कुस कुस सो नाइटिव मंजूर। ओह ओह वाह जबरदस्त। दादी मलचा हां क्यों मलचा मारवा नहीं मार कर मोजो हां पर बनावो बेचू जो करो मजा आवा क्यूत मज बलराय मगर चशी दंद दंद के साथ मैं चे दान शिमला गो बट खराब दंद फूल बाग से मज जबरदस्त। हां चलो कर दे कर तो
अल्लाह ताला फलना आमीन आमीन मजा मजा हो हो दादी से आमस मोइन करने टेंटस क्याज की ऐसे उसी लोगमत बागस मस बाग में लगाया था क्योंकि इसमें स्मेल हो गई थी बारिश की वजह से तो इसको साफ वगैरह किया दादी क्यूत बाशे से ये निशात गार्डनस मस बचस वे क्या निशातस मस ब्रोंख किन छ इस अब झरना निशात वन छ गेवन जरूरी है के क्या सो गेव के असल पहुंच चीज है गेवन जरूरी गेव सके आज चीज से जरूरी गेव रोशे रोशे वलो म्यान पोशे मदनो सुलहमा वलमति गत्सव ये समली रोशे तो गेव अस बदल कह गव मजलो नो दर्शो दितमो मजलो नो दर्शो दितमो क्या जो हम दूरे गाम ये लस पितरें पामन ओह ओह सवाला माने छ जबरदस्त तोर नि तुमो मजलोनो दर्शो जतमो वाह 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 क्या जगो हम दूरें मनने म्यान अवहाल गईनो कानने न्याय अंजरेत क्या बात है जबरदस्त।